इस वीडियो में मैं आपको अपनी ड्राइंग का सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। तो ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होता आपकी ड्राइंग में, बस आपको अच्छे से नोटिस करके ड्रॉ करना है। एंड यहाँ पे मैंने एक प्रिंट निकलवा लिया है दोबारा से, तो अगर आपके पास फ़ोन है दूसरा, क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है जिसे मैं अभी शूट कर रहा हूँ वही है, तो आप फ़ोन से भी देख के ड्रॉ कर सकते हैं, पर प्रिंट मेरे हिसाब से ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये मैंने निकाल लिया है एंड HD तो चलेगा, HD चलेगा। ये HD नहीं है वैसे, ये 360p वाला है, देख सकते हैं ब्लॉक्स दिख जाते हैं अगर आप बारीकी से देखें। तो यहाँ पे मैं जो A4 साइज़ का मैंने बिल्कुल सेम उतना ही प्रिंट करवाया है जितना मुझे अपनी मतलब शीट पे ड्रॉ करना है, तो उतना ही प्रिंट कराइए। एंड इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा, आपको बस ये दो पेंसिल्स एंड एक इरेजर इरेज करने के लिए। एंड हम इसमें लाइट एंड शेडो को मेज़र करके ड्रॉ करेंगे, जहाँ जहाँ हमको मतलब सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम उसमें हल्की सी इम्प्रूवमेंट्स करके लास्ट में हम उस पर बस ड्रॉ कर देंगे आउटलाइंस को। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको ड्रॉ करना है ग्रिड मतलब फ्री हैंड का आउटलाइंस का यूज़ करके। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे एक 6H पेंसिल चाहिए एंड एक 2H पेंसिल थोड़ी सी डार्क करके आउटलाइंस को बनाने में, एंड एक पेंसिल इरेजर इरेज करने के लिए थोड़ा बहुत, जैसे आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको इरेज करने के लिए। एंड सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर को मार्क करूँगा, तो यहाँ से मैंने देखा कि इतनी है, यहाँ से इतनी है, ऐसे करके मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर बना लिया, स्क्वायर बना लिया जितना मुझे फेस चाहिए। एंड अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आँख होती है ना, आँख को मेज़र कर ली कहाँ कहाँ पे, ऐसे देख सकते हैं आप, बिल्कुल दो लाइन्स बना ली। एंड अब मैं उनके बीच के डिस्टेंस में आइस को ड्रॉ करूँगा। तो ऐसे ही करते हैं आप फ्री हैंड मेथड में, यहाँ पर मैं देख सकते हैं आप आइस को ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा फास्ट इसलिए कर दिया क्योंकि फिर आपको पता मतलब वीडियो लंबी हो जाती काफ़ी ज़्यादा, एंड आपको अच्छे से पता भी नहीं लग पाता, मतलब अच्छे से पता तो लग जाता। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पे नोज़ की डायरेक्शन को मार्क कर रहा हूँ, इतनी यहाँ से मुझे इतनी लंबी नोज़ मिल रही है, यहाँ से मैंने मार्क किया। एंड अब मैं नोज़ के डिस्टेंस को मार्क करूँगा, इतना कुछ लंबा डिस्टेंस आ रहा है आई तक, तो आई तक का डिस्टेंस अब मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगा। आपके पास डिवाइडर हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो सबसे बेटर ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन है, डिवाइडर हो तो मतलब इजी हो जाएगा आपके लिए काम। एंड अब मैं यहाँ पे ड्रॉ तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, अभी देख सकते हैं मैं ड्रॉ खुद ही कर रहा हूँ धीरे धीरे। एंड अब मैंने जो है लिप्स भी बना लिए, इनके लिप्स कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, आराम से आप मैच कर देंगे। एंड अब ये जो साइड की लाइन थी ना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, एंड यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है। अब मैं यहाँ पे हेयर्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ। एंड हेयर्स पे तो हल्की फुल्की आपकी अगर गलती हो जाती है या आप कहीं इस डायरेक्शन गलत हो जाती है, थोड़ी बहुत कहीं से बड़े हो जाते हैं, तो बाद में आराम से आप सुधार सकते हैं, पर जब आपकी फेस की आउटलाइंस एक बार ख़राब होगी तो ख़राब होगी, उनको आप बाद में सुधार नहीं सकते। अभी आपको ये हल्के फुल्के विद्युत जमवाल लग रहे होंगे, हल्के फुल्के बोल रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पे जब हम इनकी मुस्टैचे एंड यहाँ पे बियर्ड बनाएंगे तब ये पूरे लगेंगे, क्योंकि बिना बियर्ड के पतले से लग रहे हैं। अभी देखना प्रिंट में आपको मोटा मुंह लग रहा होगा, एंड जो मैंने ड्रॉ किए हैं वो उसका आपको पतला मुंह लग रहा होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको धीरे धीरे ड्रॉ करना है, एंड मुझे इसको ड्रॉ करने में लगा 1.5 आवर कि टाइम लगाएंगे तभी अच्छी बनेगी, तो मैंने भी यहाँ पे टाइम लगाया अच्छे से बिल्कुल। एंड यहाँ पे जो आप छोटी मोटी डिटेल्स देख रहे होंगे, ये पीछे की बाल मैंने ड्रॉ किए, अभी मैं पीछे से चल रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करते हुए। एंड काफ़ी अच्छी अच्छी पोर्ट्रेट्स लोग मुझे बना के भेजते हैं रोज़, इंस्टाग्राम पे टैग करते हैं, एंड जीमेल में भी कुछ आई थी। एंड ये मैं नीचे का कोट ड्रॉ कर रहा हूँ इनका यहाँ पे। एंड ये जो फ़ोटो है काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पिछली बार कुछ ज़्यादा ही बड़ी फ़ोटो दे दी थी, इस बार मैंने थोड़ी इजी एंड फेस दिया है फ़ोटो का, ताकि आप भी उसको ड्रॉ कर पाएँ जो पोर्ट्रेट में इंटरेस्ट रखते हैं। एंड अब मैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को इरेज करूँगा, हाँ जी अब करूँगा मैं इस स्ट्रक्चर को इरेज, क्योंकि अब मैं श्योर हो चुका हूँ कि ये परफेक्ट है फेस, तो इसलिए अब मैं इसको इरेज करूँगा। आपको वीडियो में अच्छे से देखने को मिल रहा होगा कि ये परफेक्ट है कि नहीं, पर असली में अगर आप देखेंगे ना अपनी ड्राइंग को खुद, तब आपको लगे परफेक्ट है, हाँ ये परफेक्ट है। एंड आप अपने पे विश्वास रखती है एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर अच्छा। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये नीडी इरेजर होता है ना, तो हमने पहले स्ट्रक्चर बनाया है अभी भी, अब मैं इसको इरेज कर दूँगा हल्का सा इससे ऐसे करके, देख सकते हैं आप, ग्रेफाइट उठा लूँगा पहले सारा, धीरे धीरे डैप डैप करके धीरे धीरे ऐसे उठा लूँगा, वरना आप इरेजर से भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा हल्का प्रेशर रखना है। एंड यहाँ पे इरेज कर लिया, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 2H का, 2H पेंसिल का यूज़ करके अब हम बिल्कुल परफेक्ट आउटलाइंस ड्रॉ करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। एंड इसको मैंने हाफ आवर में ड्रॉ कर दिया था यहाँ पे, अभी
जब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर रेडी करके बैठा हूँ तब मुझे हाफ आ लगा था लास्ट तक। अभी देख सकते हैं आप मैं कितनी ज़्यादा डिफरेंसेस कर रहा हूँ। एंड अब जब मैंने अभी मुस्टैच बनाई है तो आपको ये विद्युत जम्वाल ही लग रहे होंगे। एंड ये बी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ मैं। हाँ जी बी, बी ग्रेड भी आता है एक। ये सिर्फ अप्सरा की पेंसिल्स में होता है जैसे कि मैंने देखा है, बी ग्रेड बाकी पेंसिल्स में भी होता है, पर मैंने यहाँ पे हल्की हल्की शेडिंग कर दी है ताकि आपको अच्छे से लगे कि ये विद्युत जम्वाल सर ही है। एंड आपको पता भी चल रहा होगा आराम से कैमरे में देखने पे अब। एंड यहाँ पे ये भी मैंने आउटलाइंस काफ़ी ज़्यादा डार्क ड्रॉ करी है ताकि आपको अच्छे से दिखें। आप बिल्कुल लाइट ड्रॉ करना, आप इतनी ड्रॉ कीजिए कि आपको आराम से दिख जाए। एंड ये जो है ये है हमारी बी पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ अभी तक मैं। एंड आपको अगर आपको एक अच्छी आउटलाइन चाहिए ना तो आप प्रिंट निकलवा लीजिए। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड है क्योंकि यहाँ पे जब आप फ़ोन से देख के ड्रॉ करते हैं ना तो साइज़ का इमेज का साइज़ बड़ा छोटा होता रहता है। आप बड़ा छोटा करते रहते हैं, इधर उधर हिलाते हैं तो छोटा बड़ा हो जाता है आराम से, पर इसमें क्या रहता है बिल्कुल स्थिर रहता है तो आप आराम से बिल्कुल उसी साइज़ की ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अब आउटलाइंस कंप्लीट कर लिए हैं, बस मुझे थोड़ा सा इधर उधर से जो ठीक करना था वो मैंने ठीक कर लिया। एंड यहाँ पे हमारी आउटलाइंस कंप्लीट बनके तैयार हो चुकी हैं। एंड ये हमारी आउटलाइंस का आउटकम है। एंड अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो ये है प्रिंट, ये है असली फ़ोटो जो कि हमने बनाई है। एंड काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, 95% ये विद्युत जम्वाल भी लग रहे हैं। एंड 5% वो कम इसलिए क्योंकि अभी तक शेडिंग नहीं हुई है, शेडिंग करके 100% लगेंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि ये आप कैसे बना सकते हैं आउटलाइंस। एंड आप कमेंट्स करके बताइए कि यहाँ पे ये आपको परफेक्ट आउटलाइंस लगी कि नहीं। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगी, जबकि मैंने सिर्फ ये मेरी शुरू की जो थोड़ी सी बहुत पोर्ट्रेट्स थी वो मैंने फ्री हैंड में आउटलाइन ड्रॉ करी थी। एंड एक कमीशन आर्टवर्क के बाद मैंने यहाँ पे ग्रिड मेथड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैं अभी तक ग्रिड मेथड से ही ड्रॉ करता हूँ काफ़ी ज़्यादा स्केचेस। एंड यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया है अपना फ्री हैंड का यूज़ करके। एंड ये मुझे थोड़ी बहुत ना अंकित सर की ड्राइंग्स जैसी लग रही है क्योंकि वो भी ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। एंड रियल में देखेंगे ना, रियल में ये बहुत ज़्यादा कूल लग रही है, ये देख सकते हैं आप। तो कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल? एंड इस वीडियो में कोई भी वो नहीं था, मतलब जैसे मैंने टाइटल में लिखा है कि सीक्रेट, तो कोई भी सीक्रेट नहीं होता ड्राइंग का। आपको बस प्रैक्टिस करनी है एंड आप इम्प्रूव हो जाएंगे आराम से। एंड आपको आराम से बनानी है, ये मुझे लगा कुछ 1 आवर ड्रॉ करने में। एंड बाकी सब कुछ मिला मुलू के, मतलब ये जो हल्की फुल्की शेडिंग करी है मैंने हाफ आवर में कर दी, तो 1.5 आवर मुझे इतनी अच्छी आउटलाइंस बनाने लग गया। एंड ग्रेड मेथड से बनाता तो मुझे 1 आवर लगता सिर्फ ड्रॉ करने में। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।